करवा चौथ की कहानी शुरू करते हैं। तो 13 दाने गेहूं के हाथ में ले लीजिए और थोड़ा सा गुड़ हाथ में ले लीजिए। कहानी शुरू करते हैं। एक बार बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन थी, उसका नाम करवा था। सातों भाई और बहन बहुत प्यार करते थे। वे पहले अपनी बहन को खाना खिलाते थे और बाद में खुद खाते थे। जब बहन की शादी हो गई तो वो जब एक बार मायके आई हुई थी तो उसने करवा चौथ का व्रत कर रखा था। शाम को जब भाई बिजनेस व्यापार करके घर लौटे तो खाना खाने बैठे और सबसे पहले बहन को खाना खिलाने के लिए आग्रह करने लगे, लेकिन देखा कि बहन बहुत बेचैन है, व्याकुल है और खाना नहीं खा रही है। उन्होंने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि आज उसका करवा चौथ का व्रत है और वो निर्जला रहेगी, यानी कि पानी नहीं पिएगी। तो उनके भाइयों ने प्रेमवश क्या किया कि बहन भूखी ना रहे, ये सोच करके चंद्रमा देवता को बनाने का निर्णय किया, यानी कि उन्होंने एक नकली चंद्रमा जो है उसका निर्माण करने की कोशिश की और पीपल के वृक्ष के पीछे जाकर के एक छलनी में उन्होंने दिया जला दिया, जिससे कि बहन को ये लगे कि चांद उगाया है और वो बहन उसकी खाना खा ले उनकी। क्योंकि भाइयों का प्यार बहुत था तो वो अपनी बहन को भूखा प्यासा देख नहीं पाए और इस तरह से उन्होंने उसे चांद दिखा करके और अर्घ्य दिला करके खाना खिला दिया। जैसे ही भाई ने बहन को बताया कि तुमने खाना खा लिया है तो उसने देखा कि वो जैसे ही मुंह में खाना डालती है तो उसे छींक आ जाती है, और दूसरा टुकड़ा जब मुंह में डालती है तो बाल निकल आता है, तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसकी पति की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से वह बहुत बौखला जाती है और तब उसकी भाभियाँ जो हैं उन्हें सच्चाई बताती हैं कि उसे नकली चांद का अर्घ्य दिला दिया गया है, इससे करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और इस तरह से उसे पाप के वश पति की मृत्यु का सामना करना पड़ा है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है, उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह पहले भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है, लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहके चली जाती है। इस प्रकार से जब 6 नंबर की भाभी आती है तो भी वह यही बात कहती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था तो वह उसकी पत्नी में ही उसकी शक्ति है कि उसके पति को दोबारा जीवित कर सकती है, इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और बता देना कि वह तुम्हारे पति को जिंदा कर दे। ऐसा कह करके वह भाभी चली जाती है। अंत में सबसे छोटी भाभी आती है तो फिर से बहन सुहागिन बनाने का आग्रह करती है और इस प्रकार से उसे पकड़ लेती है ननंद और बार बार उसे आग्रह करती है कि उसके पति को जीवित कर दे। उसकी तपस्या देखकर भाभी का दिल पसीज जाता है और वह अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत निकालकर उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा के पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ जाते हैं और इस प्रकार से प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापिस मिल जाता है। ये श्री गणेश जिस प्रकार से माँ गौरी की कृपा से करवा को चिर सुहागिन होने का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सभी सुहागिनों को मिले। इस कथा से पहले श्री गणेश जी की कथा का कहना आवश्यक है फ्रेंड्स, तो आप वो भी सुन लीजिए।